जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी से एक साधक ने प्रश्न किया, संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे रहेगा? सेठ जी कहते हैं, नहीं रहे तो मत रहे। इतने दिन शरीर को रखकर क्या कर लिया? इस तरह परमात्मा का चिंतन करते तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। परमात्मा का चिंतन बहुत उच्च कोटि की चीज है। जप ध्यान से ही बुद्धि ठीक रह सकती है। यह निरंतर होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इसकी ताजगी के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग नहीं मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए। अंतःकरण में विषय आसक्ति रूपी छुरा घुस गया है, उसे निकालना चाहिए। उसके बदले में भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए, मानसिक जप करना चाहिए। यह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। जप ध्यान सहित हो तो और अच्छी बात है। वाणी से या तो भगवद विषय की बात करनी चाहिए, अन्यथा मौन रहना चाहिए। परोपकार की बात भी भगवत विषय की बात है, संसारी बात नहीं बोलनी चाहिए। जो भगवान को सर्वोपरि समझ लेता है वह भगवान को भूल नहीं सकता। जो भगवान को सुहृद समझ लेता है वह खुद सुहृद बन जाता है। भगवान में जो लक्षण होते हैं वह भक्त में आ जाते हैं। भगवान का अनन्य चिंतन करना चाहिए। निरंतर चिंतन की गीता में बड़ी महिमा आई है। संबंध उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ फिर वियोग होवे ही नहीं। वह एक परमात्मा ही है। निरंतर परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। मान बड़ाई प्रतिष्ठा कंचन कामनी और शरीर का आराम, ये 6 ग्रह हैं, महान शत्रु हैं। इनको मार डालना चाहिए। इसके लिए भगवान के सामने दिल खोलकर रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। समय समय पर इस श्लोक को याद करना चाहिए। गीता जी के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जिसका अर्थ है, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। राग द्वेष अहंकार आदि की जड़ उखाड़ देनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले को मान बड़ाई ठुकरा देना चाहिए। मान बड़ाई मिलती हो ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए। हमें पद पद पर भगवान की दया समझनी चाहिए। शांति उनके अंदर भरी पड़ी है। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि भगवान का भजन ध्यान तो हम लिखाकर ही नहीं लाए। अरे मूर्ख, ऐसा क्यों मानते हो? प्रारब्ध पर दोष क्यों मढ़ता है? भजन न करना तेरी ही कमजोरी है। प्रारब्ध की यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के भजन ध्यान को रोक सके। यह कमजोर आदमियों को मारता है, इसलिए जोश रखना चाहिए। प्रारब्ध भजन ध्यान में विघ्न नहीं पहुंचा सकता, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि बीमारी में भजन ध्यान और तेज होना चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि बीमारी में भजन ध्यान और तेज होना चाहिए। प्रारब्ध भगवान की प्राप्ति में बाधा नहीं डाल सकता। पहुंचे हुए पुरुषों को तो विघ्न डाल ही क्या सकता है, ऊंचे साधक को भी विघ्न नहीं पहुँचा सकता। प्रश्न आता है कि प्रहलाद जी इतनी विपत्ति में भी नहीं घबराए, इसका क्या कारण है? उत्तर में सेठ जी कहते हैं, नारद जी का उपदेश था, तुम भी नारद जी को खोजो। महापुरुषों का तो चलना फिरना घास काटना और मारना काटना भी सभी क्रियाएं समान हो जाती हैं। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, कभी रूठना नहीं चाहिए। रूठे तो भोगों से रूठे, द्वेष करे तो भोगों से करे, क्रोध करे तो क्रोध से करें, क्रोध से क्रोध को ही जला डाले। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए,
चित्त को कभी मलिन नहीं करना चाहिए। चित्त को मलिन करना तो अपने गले में छुरी लगाना है। जिस प्रकार भगवान की स्मृति मुक्ति देने वाली है, उसी प्रकार भगवान की दया को याद करना भी मुक्ति देने वाला है। भगवान का जप ध्यान भी मुक्ति देने वाला है। परमात्मा की प्राप्ति रूपी धन का संग्रह करना चाहिए। कामना करें तो भगवान के दर्शनों की, अपनी आत्मा के कल्याण की कामना करें। हे नाथ, हे गोविंद, हे हरि, दर्शन दो। हे नाथ, हे गोविंद, हे हरि, दर्शन दो। संसार का चिंतन करते हो, संसार को भगवत भाव में उलट दो। संसार का भगवत बुद्धि से चिंतन करो। या तो भाव को उलट दो या चिंतन को उलट दो। परमात्मा की प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं है, यह बहुत ही सहज काम है। भगवान के नाम का प्रयोग सभी कामों में किया जा सकता है। यदि भगवान को बुलाना हो तो ऐसे कीर्तन करें, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण। यदि सबको कीर्तन में बोलने के लिए कहना हो तो ऐसे करें, बोलो नारायण नारायण नारायण। और भगवान को अपने साथ साथ कीर्तन में बुलाना हो तो भी यही कहें, बोलो नारायण नारायण नारायण। यदि आतुर आदमी हो, आदमी को साहस दिलाना हो तो ऐसे कहें कि भजो नारायण नारायण नारायण। यदि कोई पूछे कि श्रद्धा प्रेम कैसे हो तो भी ऐसे ही करें कि भजो नारायण नारायण नारायण। निष्काम भाव से तथा लक्ष्मी जी सहित भगवान का कीर्तन करना हो तो ऐसे करें, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक नारायण के नाम का किसी तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, ये सब संकटों का निवारण करने वाले हैं। परम सत्य वस्तु है परमात्मा, अन्य सब असत्य वस्तु हैं। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा में ही प्रेम करना चाहिए। भगवान के रहते हुए कोई मनुष्य दूसरे से संकट निवारण करने के लिए कहे तो मूर्खता ही है। भगवान का प्यारा बनना चाहिए। भगवान को भजने वाला पुरुष भगवान को प्यारा लगता है। भगवान का जप ध्यान निरंतर करना चाहिए। निरंतर जप ध्यान करने से भगवान में जो गुण हैं वे सब के सब उसमें आ जाते हैं। यह नाम का प्रभाव है कि पापों की ढेरी को जलाकर भस्म कर देता है। पापों की ढेरी को जलाकर भस्म कर देता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी।